हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी फ्रॉम द किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला पेनेट, जो बहुत ही मज़ेदार और चटपटा स्नैक्स है। तो चलिए झटपट से बाजार जैसे मसाला पेनेट बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1/4 कप बेसन, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ चावल का आटा लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी भर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ मैंने 1 कप पीनट लिए हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे आप। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, हमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सिर्फ हमारा पीनट थोड़ा सा गीला होना चाहिए। तो अब ये फ्राई करने के लिए रेडी है। तो ऑयल हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपना पीनट डाल देंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम पर रखना है। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे थोड़ा, और पीनट हमारा अच्छी तरह से और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यह हमारा पीनट अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो चुका है, हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। और ये हमने पीनट्स बनाकर तैयार कर लिए है। अब हम बनाएंगे चटपटे मसाला। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने पीनट फ्राई करके तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसे ढक कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा चटपटे मसालेदार पीनट्स रेडी है सर्व करने के लिए। आपने देखा बहुत ही आसानी से बनाना, बहुत टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।